ब्रिज इंसान के इतिहास में सबसे अच्छा वस्तु में से एक है। ये हमें नदी को पार तो करता ही है, साथ ही तेजी से एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों ब्रिज दो टाइप की होती है, नए और पुराने। नया जो कि लगभग 100 से लेकर 120 इयर्स तक चलता है, और पुराने जिसको बंद कर दिया जाता है या फिर अपने आप ही गिर जाता है। लेकिन दोस्तों कई पुराने ब्रिज को मरम्मत किया गया है। आपको हैरानी होगी कि कुछ ब्रिज अभी भी खड़े हैं और अक्सर यात्रा करने वाले द्वारा इस्तेमाल किया जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ आधुनिक ब्रिज की ऊंचाई इतनी अद्भुत है कि ये दिलों को डर से भर देती है। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रिज कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ब्रिज के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। नंबर 10, पेंटेड उज्ज्वला ब्रिज। पेंटेड उज्ज्वला ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन ब्रिज खुद और भी डरावना है। ब्रिज लगभग 300 मीटर लंबा है और खाई के लगभग 100 मीटर ऊपर लटका हुआ है। ब्रिज की चौड़ाई सिर्फ 0.6 मीटर है। शुक्र है पेंटेड उज्ज्वला अब सिर्फ पैदल लोगों के लिए है, लेकिन पहले ये वाहनों के लिए था। ब्रिज को असली में 1898 में स्थापित किया गया था लोकल माइन से सोना और चांदी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और सप्लाई को लाने के लिए। जब आप ब्रिज चलते हैं तो ये हिलता है और हाथा रेलिंग्स होते हैं, लेकिन पलकों के बीच में विशाल अंतर है। इसका मतलब है कि अगर आप नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो आपको नीचे खाई का अच्छा नजारा मिलता है। ब्रिज पर ट्रैफिक दोनों तरफ होता है, इसीलिए चलते समय आपको धक्का मिलती है। नंबर 9, रॉयल गार्गो ब्रिज कोलोराडो। रॉयल गार्गो ब्रिज कोलोराडो USA में स्थित है। ये पुल 1929 में बनाया गया था और एक समय में दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था। ये 1000 फुट गहरा झरना पर बना हुआ है और इसकी लंबाई 343 मीटर है। दूरी से ये एक सिंगल प्लैंक ब्रिज लगता है जो दो अलग अलग दुनिया को जोड़ता है। नदी के वादी में अक्सर हवा के झटकों होते हैं जो लोगों को गिरता हुआ महसूस कराते हैं, और सिर्फ इस पर रहने में और चलने में ही डर लगता है। आज के टाइम पर जो यात्रा करने वाले वहाँ पर आते हैं उन्होंने रॉयल गार्गो ब्रिज को एक बहुत ही मशहूर बंगे जंपिंग जगह बना दिया है। और ये दोस्त जो अधिक उत्तेजित चुनौतियों का समर्थन करते है, ये आकर चुनौती दे सकती है। नंबर 8, क्रैक ए रेड रोप ब्रिज। एक 30 मीटर ऊंचाई छातों पर लटका हुआ ये उत्तरी आयरलैंड और क्रैक रोड आइसलैंड को जोड़ता है। हालांकि ब्रिज का पूरा लंबाई सिर्फ 20 मीटर है, लेकिन ये उत्तरी आयरलैंड में से एक मनोहर दृष्टि में से एक के रूप में जाना जाता है। लोगों को एक धधकने वाला अनुभव होता है। ओरिजिनली ये ब्रिज सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए समुद्र में सैल्मन पकड़ने के लिए जाने के लिए था, क्योंकि ब्रिज बहुत ऊंची और चुनौतीपूर्ण था। एक के बाद एक अधिक चुनौतियों को आकर्षित करने लगा। कहा जाता है कि इस ब्रिज पर खड़े होने से लोगों को एड्रेनल हार्मोन्स उछल जाता है। नंबर 7, हैंगिंग ब्रिज ऑफ गासा। ब्रिज का निर्माण शुरुआत में जानवर पालन से हुई ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए किया गया था, और ये स्थानीय निवासियों के लिए बाहर से संपर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। मगर इसे एक सस्पेंशन ब्रिज के रूप में नहीं बोलना चाहिए, इसे एक पेंडुलम ब्रिज के रूप में माना जाना चाहिए। इसकी विशेष ऊंचाई पर मजबूत हवाओं के कारण सस्पेंशन ब्रिज अक्सर इधर उधर होता है, इसलिए जब लोग और जानवर ब्रिज पर चलते हैं ब्रिज के खतरा को बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 6, ट्रिफिड ब्रिज। ट्रिफिड ब्रिज एल्पस में स्थित है। ये ब्रिज 2004 में बनाया गया था और ये दुनिया के सबसे लंबी ब्रिज है, साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में से एक भी है। ब्रिज की बॉडी का वेथ 1 मीटर से कम है, लेकिन लेंथ लगभग 200 मीटर तक है। ये एक डायरेक्शन में एक व्यक्ति के लिए सिग्निफिकेंट है। दूर से ब्रिज हवा में हिल रहा है। इसका मेन स्ट्रक्चर लकड़ी के बोट और रोप्स द्वारा सपोर्ट किया गया है। कंडीशंस काफी हार्श है और विंडी वेदर अक्सर इनकाउंटर होता है, इसलिए ब्रिज पर खड़े लोग बहुत वायलेंट शेकिंग फील करेंगे और ये और भी डेंजरस हो जाता है। इस ब्रिज को एक्सपीरियंस करने के लिए पहले एक वर्टिकल केबल कार लेने होगी और फिर 1 घंटे और आधे के लिए अपील हिक करनी होगी। फिर भी हर साल यहाँ 20,000 लोग होते हैं। नंबर 5, केशवचक्र रोप ब्रिज। हम सबको पता है कि अधिकतर ब्रिज लकड़ी या लोहे के बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ब्रिज देखा है जो घास से बना हो? पेरू में ऐसा ही एक विशेष ब्रिज है। ये पेरू में क्वासाचुका ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रास रेप ब्रिज भी कहा जाता है। ब्रिज का पूरा शरीर घास से बना हुआ है, और भी भयानक बात है कि ब्रिज एक 30 मीटर ऊंचे रिवर को पार करता है, और इसके खतरे सिर्फ ब्रिज के सर पर खड़े होकर दिखते हुए ही दिखाई देती है। हालांकि ऐसे एक ब्रिज
का इतिहास 500 से अधिक वर्षों का है और ये सदों से बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए एकमात्र तरीका बन गया है, क्योंकि ये घास से बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ढीला है। इस ब्रिज को पार करने आसान नहीं है। नंबर 4, AI पेट्रो सस्पेंशन ब्रिज। ये एक ऐसा सस्पेंशन ब्रिज है जो अधिकांश लोगों को हिम्मत हार देता है। ये दो पहाड़ के शिखर पर ऊंचा खड़ा है, एक 1280 मीटर की ऊंचाई पर, और एक आदमी के लिए बस इतनी चौड़ाई है कि एक व्यक्ति से गुजर सकता है। ये एक आधा तैयार सामान लगता है जो बिना किसी नियम के बनाया गया है। इसमें कोई भी मजबूती और विश्वसनीय ब्रिज नहीं है। सरफेस पर सिर्फ कुछ लकड़ी के टुकड़े बोट है जो लोहे के केबल पर फिक्स किया गया है, और वो भी साल भर में 125 दिन तक तेज हवाएं चलती है, इसलिए सस्पेंशन ब्रिज हमेशा तेजी से हिलता रहता है। यहाँ पर अक्सर धुंध होती है जो एक खतरनाक माहौल बना देती है। हालांकि जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तो पहाड़ के शिखर पर सुंदर दृष्टि आपके लिए सबसे अच्छा सामना होता है। नंबर 3, तितलिस क्लिप वॉल ब्रिज। ये ब्रिज यूरोप में सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज है और शायद दुनिया में भी। तितलिस शिखर पर बना है जो 3041 मीटर की ऊंचाई पर है। यह साल भर सिर्फ एक मौसम होता है और वो भी सर्दी। सस्पेंशन ब्रिज पर चलते समय आपको 100 किलोमीटर से अधिक हवा की गति का सामना करना पड़ सकता है। तूफान अगर बर्फ गिर रही हो तो ब्रिज का डेक इतना तेजी से हिलेगा कि चलना लगभग असंभव हो जाएगा। बहुत से पर्यटक सस्पेंशन ब्रिज पर कदम रखते समय अतुल विश्ववारी होते हैं, लेकिन फिर उन्हें चक्कर आने लगता है और उनका दिमाग खिल जाता है, खासकर जब वो नीचे 500 मीटर लंबा ब्रिज देखते हैं। नंबर 2, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। ये पाकिस्तान के लेक पोटर पर एक सस्पेंशन ब्रिज है जो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। इस सस्पेंशन ब्रिज रस्सी और लकड़ी के बोर्ड से बना है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही बना था। इसीलिए ब्रिज के अधिकतर लकड़ी के बोर्ड खराब हो गए हैं और छिल गए हैं। जब तेज हवा चलती है तब ये सस्पेंशन ब्रिज इधर उधर हिलने लगता है और नीचे एक तेज रिवर भी है। नंबर 1, भीतिम रिवर ब्रिज। कई लोग इस ब्रिज को दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो इसे पार करने की हिम्मत रखते हैं और सफलता से गुजर जाते हैं। भीतिम रिवर ब्रिज भीतिम रिवर को रशिया में स्पन करता है। ब्रिज का शरीर सिर्फ एक कार को ही समर्थन दे सकता है और उसका लंबाई 507 मीटर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लिफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।